डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है RCOCl और CH2N2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई, ठीक है ना, और एक कंपाउंड बनता है और उसके बाद इसको क्या किया गया, सिल्वर के प्रेजेंस में हीट किया गया। सिल्वर यहाँ पर जो होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है ना, और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस की गई और कंपाउंड बी बना। कह रहा है इन दिस रिएक्शन कंपाउंड बी इज़, और आपको RCOR कीटोन दिया है, इसके बाद में कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, अमाइड दिया है और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है जिसमें कि एक कार्बन क्या है ज़्यादा है। तो अब जरा एक बात आप समझ लो कि एक्चुअल में डाइजोमीथेन जो है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, डाइजोमीथेन, इसका ये जो होता है इंसर्शन के लिए किया जाता है, यूज़ है, यानी कार्बन लेंथनिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड OCl की जब आप रिएक्शन करते हो, RC डबल बॉन्ड OCl की जब आप रिएक्शन करते हो किसके साथ में, CH2N2 के साथ में, तो ये कंपाउंड बनाता है RC डबल बॉन्ड O और ये CH और ये डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड बनाता है। यहाँ पर इस एंड पे माइनस चार्ज आता है और इस एंड पे क्या आता है, प्लस चार्ज। और आप इसको इस तरह भी लिखते हो RC डबल बॉन्ड O और उसके बाद में ये CH और ये डबल बॉन्ड N2, ठीक है ना, इस तरह से आप लिखते हो। इसके बाद ये कंपाउंड तो बन गया, क्या ये बन गया। अब इसके बाद आप रिएक्शन क्या कर रहे हो, आप सिल्वर के साथ रे इसको हीट कर रहे हो और बाद में इसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। ये एक्चुअल में वॉल्फमैन जो है रीअरेंजमेंट है, तो ये वॉल्फ रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो आपने इसको वॉल्फ रीअरेंजमेंट किया, तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने पर ये R जो होता है वो मूव कर जाता है किधर, इस साइड मूव कर जाता है, और मूव कर जाता है तो उस केस में RCH2 और ये COH का फॉर्मेशन बनाता करता है। यहाँ से वाला बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड मूव कर गया इधर, तो इधर साइड जो है OH ग्रुप जो होगा वो वाटर से लग जाता है। तो यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCH2COOH बनेगा, एंड ऑप्शन 4 जो होगा वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में प्रोसेस ये वॉल्फ रीअरेंजमेंट के थ्रू होती है।